वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत गणेशराज स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु मिश्र शामिल हुए। वही डीएम नवनीत सिंह चहल के साथ खेल अधिकारी, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल हुए। यहाँ प्रदेश के मंत्री और डीएम के द्वारा वृक्ष लगाए गए। इस दौरान लोगों को पौधे भी बांटे गए। इसके बाद मंत्री दयाशंकर मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हुई, उस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत ने आज हम सबको ये एहसास कराया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं, और मथुरा के कई चरणों में 41 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जबकि आज जिले में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के कर्मियों के साथ साथ अन्य NGO भी शामिल होकर पूरा करेंगे। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 दुनिया के सबसे बड़े सूबे में, जहां संसार की बहुत बड़ी आबादी रहती है, 25 करोड़ का सूबा है उत्तर प्रदेश, 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसमें आज हम पहले दिन करीब 28 करोड़ से ज़्यादा पौधे आज हम प्रथम दिन करेंगे। फिर वो 6 तारीख को 2.5 करोड़ पौधे, 7 तारीख को 2.5 करोड़ पौधे, और अगले 5 करोड़ पौधे हमारे लगेंगे 15 अगस्त को। तो ये एक सफ़र है इस वृक्षारोपण का, जिसमें 40,37,200 पौधे मथुरा ज़िले में लगेंगे। उसमें भी आज हम 28,85,000 पौधे आज पहले दिन 5 तारीख का रोपण है, फिर 2.88 लाख पौधे 6 तारीख को, फिर 2.88 लाख 7 तारीख को, और फिर जो बचेंगे 5,76,000 पौधे वो हमारे लग रहे हैं 15 अगस्त को। तो इस तरह से इस ज़िले का जो लक्ष्य है 40,37,200 पौधे का, वो मथुरा ज़िले का लक्ष्य। जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें किन किन की सहभागिता, किन के सहयोग से लगाए जा रहे हैं? देखिए, वन विभाग की नर्सरी से और जो हमारे शहर के अन्य नर्सरियां हैं, करीब 39,90,000 पौधे तो वन विभाग के हैं, और 4 और हमारे पौधालय हैं जो उद्यान विभाग के, करीब 2,08,000 पौधे उनके हैं। कुल मिला के 41,98,000 पौधों का लक्ष्य है, जो तैयारियां हैं विभाग की, जिसमें करीब 9,90,000 पौधे वन विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और करीब 20,26,000 पौधे ग्राम समाज, ग्राम जो विकास समितियां हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, और करीब 10,22,000 पौधे हमारे जो 24 अन्य राजकीय संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से हम ऐसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 41,98,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। मंत्री जी, पिछली बार भी को हमने जोड़ा है, ग्राम समितियों को जोड़ा है, ग्राम विकास समितियां जो होती हैं उन सबको ये कहा गया है कि पेड़ लगाना। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैन 84 मंदिर के समीप गोवर्धन चौराहा मथुरा। कोरम पूरा करना नहीं है, लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी हिफाजत करना, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना के इस काल में ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए तड़पते हुए इंसान ने ऑक्सीजन की कीमत को जान लिया है कि ऑक्सीजन एक पौधा है जो अनवरत रूप से 24 घंटे हमको ऑक्सीजन दे रहा है, हम उनको काट देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में हमारे परिजन की मृत्यु होती है। तो निश्चित ही कोरोना के इस काल के बाद दुनिया में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोगों ने पौधों की कीमत को जाना है। देखिए, ग्राम से लेके ग्रामवासियों से, शहर के निवासियों से, अपने पर्यावरण प्रेमियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है और देव की नगरी है, भगवान की नगरी है। तो इस नगरी को जितना हम साथ स्वच्छ हरा भरा बना के रखेंगे, दुनिया इस नगरी में आना चाहती है। हमारा फर्ज है कि इस नगरी को हम हरा भरा और स्वच्छ बना के रखें।
किस तरह से इसकी पूरी तैयारी की गई और अब कैसे इसको मूल रूप दिया जा रहा है? आज लगभग 28,85,000 पौधे जनपद मथुरा में लगाए जा रहे हैं और कुल मिला के लगभग 41,00,000 पौधे 15 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए जो हमारी जनपद स्तरीय ज़िला वृक्षारोपण संरक्षण समिति होती है उसकी बैठकें लगातार पिछले महीने से की जा रही हैं और पिछले कुछ दिनों में डेली बैठकें वगैरह की गई। इसमें सभी विभागों को जो है आवश्यक लक्ष्य दिए गए हैं, शिक्षा विभाग हो चाहे हमारा कृषि विभाग हो, ग्राम पंचायत विभाग हो या ग्राम विकास विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, सभी विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं और सभी विभागों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे अगर हम कृषि विभाग को माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो लाभान्वित हमारे कृषक भाई हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं या हमारे गाँव के सम्मानित वासी हैं उनके द्वारा गाँव लगाया जा रहा है वृक्ष, शहरी क्षेत्रों में जो हमारी 13 नगर पंचायतें हैं, एक नगर पालिका है और एक नगर निगम है, वहाँ पर भी वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अग्रिम मृदा कार्य और आज के दिन वृक्षारोपण, इसकी पूरी एक तरीके से प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न NGOs हैं, चाहे वो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब वगैरह हैं, उनका भी सहयोग लिया गया है। अधिकतर पौधे हमारे वन विभाग की नर्सरी से निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही साथ हमारे जो हमारा उद्यान विभाग है उनकी नर्सरी से भी पौधों का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिला के 41,00,000 पौधे जनपद में 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।